पौड़ी में बस कंडक्टर से मारपीट के मामले में एक पुलिसकर्मी को एसएसपी द्वारा लाइन हाजिर किया गया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच सीओ सदर श्याम दत्त नोटियाल को सौंप दी गई है। बता दें कि बीते 27 अगस्त की रात को पुलिस के सिपाही द्वारा एक बस कंडक्टर से मारपीट करने का मामला सामने आया था। पीड़ित ने बताया कि रात के समय कंडक्टर बस अड्डे पर बस में सो रहा था, तभी एक होमगार्ड के जवान और एक सिपाही ने बस के कंडक्टर के साथ मारपीट की। पौड़ी से मुकेश बच्चे की रिपोर्ट। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, बाथरूम आया, जैसे ही बाथरूम करके अंदर गया, पुलिस वाले जो ड्यूटी पे तैनात थे वो आए गाड़ी पे। उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती मेरे से खुलवाया। उसके बाद अभी लगा रहे हैं कि यहाँ कोई लेडीज़ बैठी हुई है, हमको अंदर देखने दे। उसके बाद पहले होमगार्ड वाला आया, मैंने नहीं खोला, फिर जब खोला नहीं तब दोनों आए, दोनों ने दरवाज़ा भचोला, तब मेरे को वो लेडीज़ का वो लगाया उन्होंने आरोप। उसके बाद तब मैंने दरवाज़ा खोला, जैसे ही दरवाज़ा खोला दोनों ने मेरे को बाहर खींचा और हाथापाई करने लगे। हाथापाई करने के बाद टॉर्च से मार दी मेरे छाती पे। है कि हमारा परिचालक है सोहन सिंह, जिसको जो है 27 तारीख की रात 1:30 बजे एक पुलिस वाला घुसा और बुरी तरह उसकी पिटाई कर दी, और वो चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है, जिसके लिए उनके घर परिवार के लोग आए हुए हैं। और हमारे GMO की ओर से हमारे एक बाबू हैं, वो SSP साहब से मिलने जा रहे हैं ताकि उन्हें न्याय मिले। देखिए, अभी ये GMOU में एक कंडक्टर थे, परसों रात्रि 1:30 बजे की बात है, जो हमारी गश्त थी वो बस अड्डे के पास आसपास चेकिंग कर रही थी, तो उनके द्वारा कुछ बहस और मारपीट जैसी बात बताई गई है इनके द्वारा। तो उसमें मेरे द्वारा जो जांच है इसकी, इस पूरे प्रकरण की, वो CO पौड़ी को दी गई है, और इसके अलावा जो संबंधित कर्मचारी जिसके लिए बताया जा रहा है उसको लाइन हाजिर कर दिया गया।